भोपाल के इस खूबसूरत संग्रहालय परिसर में आप अगर जाएंगे तो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और मानव विज्ञान से जुड़े कला संस्कृति के विशाल संग्रह को देखकर चकित रह जाएंगे। दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ही तरह भोपाल का राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी अपने आप में एक मिसाल है। इसका मकसद तेजी से खत्म होती आदिवासी और लोक कलाओं और संस्कृतियों को बचाना और इसका संग्रह करके तमाम प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों के जरिए नई पीढ़ी को इनसे परिचित कराना है। सरकारें आती जाती रही, सियासत अपने तरीके से चलती रही, लेकिन 40 सालों से ये संग्रहालय निरंतर अपने कामकाज से दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है। इस धरोहर को मध्य प्रदेश के लिए इंदिरा गांधी की सौगात के रूप में भी देखा जाता है। मानव संग्रहालय 1979 में भोपाल में यहाँ खुला और तब से निरंतर यह शोधपरक कार्यों में संलग्न रहा है और आज आपके सामने यह संग्रहालय इस रूप में विस्तृत दिख रहा है। इंदिरा जी ने इस संग्रहालय को बनाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई और कहा कि नहीं, ये अवश्य ही बननी चाहिए और इस तरह से बननी चाहिए। उन्होंने कनाडा में और दूसरे देशों पे जिस तरह इस तरह के जो मुक्ता का संग्रहालय है उनको उन्होंने देखा था, तो उन्होंने ये माना कि वाकई में जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, पारंपरिक ज्ञान पद्धति है, उसको इस तरह के म्यूजियम बना करके ही संरक्षित किया जा सकता है। सांस्कृतिक धरोहरों की अमूल्य निधि यहाँ मौजूद है जो शोधार्थियों के लिए खास अहमियत रखती है। मानव संग्रहालय के मुक्ताकाश प्रदर्शनी में भारत की विविधता को दर्शाया गया है। इसे हिमालयी, तटीय, रेगिस्तानी व जनजातीय निवास के मुताबिक बांटा गया है। मध्य भारत की जनजातियों को भी पर्याप्त स्थान मिला है, जिनके अनूठे रहन सहन को यहाँ देखा जा सकता है। आदिवासियों के आवासों को उनके बर्तन, रसोई, कामकाज के उपकरण, अन्न भंडार तथा परिवेश को हस्तशिल्प, देवी देवताओं की मूर्तियों और स्मृति चिन्हों से सजाया गया है। धीरे धीरे सीमेंट और कंक्रीट का जो कॉन्सेप्ट आ गया है, जो अवधारणा है, उस चीज़ को हम लोगों ने इस संग्रहालय में कि पुरानी चीज़ अब कैसी थी, वो पुराने आवास कैसे थे, जो आने वाली पीढ़ी के लिए अब जो है ख़त्म हो रहा है, उस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे विभिन्न जगहों से, विभिन्न राज्यों से जो है उस आवासों को हम लोगों ने यहाँ पे बनवाया है। ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया में मानव जीवन को लेकर बनाया गया विशालतम संग्रहालय है। श्यामला की पहाड़ियों पर 200 एकड़ में फैले इस संग्रहालय में विभिन्न राज्यों की जनजातीय संस्कृति की झलक देखी जा सकती है। मानव संग्रहालय में सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के साथ साथ इन्हें आगे बढ़ाने का काम भी बदस्तूर जारी है।